ट्रांसफर ऑफ हीट में ये बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक सॉलिड बॉडी है जिसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी, मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हीट मूव करेगी यहाँ से यहाँ, हीट की मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट है, ये जो लेंथ है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस फेस का कितना है, A है, एरिया A है, और मटेरियल गुड कंडक्टर कितना, गुड कंडक्टर बताने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी है। तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी टी टाइप में, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये करवाया था, टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ। तो पहला फॉर्मूला ये नोट करें कि अभी होगा आपने, दिस इज फॉर्मूला फॉर हीट जो एक फेस से दूसरे फेस तक जाएगी टी टाइम में। और अगर मैं कहूँ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड निकालो, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूले में के ए टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी पुट कर लेते हैं, बाई लेंथ एक ही बात है। तो ये हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला जो आज यूज करेंगे। वैसे फॉर्मूला बुकलेट में आपने शायद नोट भी किया होगा सारा, ठीक है, ठीक कर रहे हो, फॉर्मूला नोट कर रहे हो ना सारे? नहीं अभी नहीं, वैसे रूटीन में जो मैं बोलता हूँ घर जाके रिवाइज करते हुए, बहुत जरूरी है। अगले साल जो रिवीजन होगी ना वो बड़ी फास्ट ट्रैक चलती है, बुकलेट तो पूरी नहीं पढ़ा सकता कोई, तो वो फटाफट फॉर्मूला बुकलेट में नोट फटाफट लोग रिवीजन करते हैं उसमें, फिर जल्दी कैच कर लेते हैं। ज़रूरी है लिखना, चाहे घर जाके लिखो पर लिखो, मेंटेन करो उसे, ठीक है। तो क्यू बाई टी क्लियर है यहाँ तक? आगे इसके बाद हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय के ए, ठीक। तो बेसिकली ये है क्या, ये है हीट करंट, हीट का करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर का डिफरेंस। तो जैसे हम ओम लॉ लगाते थे, और ये क्या बनेगी, थर्मल रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नोट कर लें, आर L डिवाइडेड बाई के ए। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज L डिवाइडेड बाई के ए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट में ये टॉपिक तो है ही है, फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या यूज़ होने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये न्यूमेरिकल, इसमें क्या करवाया था कि अगर मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और दो रॉड्स लगी हुई हैं सीरीज में एक के बाद एक, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बी है, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है, तो हीट मूव करेगी 100 से 0 की तरफ। आपको इंटरफेस का टेम्परेचर टी बताना है, क्योंकि ये रॉड सीरीज में है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम। सीरीज में हीट करंट सेम रहता है, डिवाइड नहीं होता, क्योंकि जितनी हीट इसमें जाएगी वही हीट आगे ट्रेवल कर जाएगी। तो इसके अंदर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ए की, तो के वन इंटू एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस में 100 माइनस टी अपॉन डिस्टेंस क्या है इसका, एक्स, लेंथ रॉड की लेंथ एक्स है। इसके अंदर थर्मल, इसमें हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या लगेगा, के टू इंटू एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस में टी माइनस जीरो अपॉन लेंथ क्या है इसकी भी, एक्स, ये रही एक्स। तो आपके पास कैंसिल होके टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये क्वेश्चन हमने किए थे, वैसे किया तो वो भी था, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर एक टॉपिक था सीरीज और पैरेलल का, तो हमने किया था कि अगर दो रॉड सीरीज में है, K1 और K2 सीरीज में है, तो सीरीज के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों रॉड्स का एग्जैक्टली सेम है, लेंथ की वैल्यू इसमें D1 और D2 है, लेंथ लंबी छोटी हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि दो रॉड की जगह एक रॉड लगा दिया जाए, तो एक रॉड की नई लेंथ क्या बनेगी, D1 प्लस D2 बनेगी, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। तो आपको इक्विवेलेंट क्या निकालनी है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, K क्या होगी। अब क्योंकि रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं आर एस क्या होगा, R1 प्लस R2, थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर्मूले लगा दिए, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया। अगर लंबाई डी डी वन डी टू डी है तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, अगर दो रॉड सीरीज में है तो 2 बाई के एस इज 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो।
फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, यूज करेंगे आज हम। तो अगर ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी 2 अपॉन Ks इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 होगा। ठीक है यहां तक? ठीक। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये पैरेलल में है, हीट फ्लोइंग पर सेकंड आई, तो एरिया A1 और A2 है। सीरीज के अंदर याद रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, लंबाई चेंज होती है, L1 L2 चेंज है। पैरेलल के अंदर एरिया डिवाइड हो जाता है पर लेंथ रिमेंस सेम, क्योंकि स्लैब के ऊपर स्लैब आती है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी, सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का ये फॉर्मूला लगेगा, तो जो टोटल हीट फ्लोइंग पर सेकेंड है दोनों डॉट्स में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। और पैरल का आंसर तो इलेक्ट्रिसिटी पता ही है आपको, 1 बाई आर पी 1 बाई आर 1 1 बाई आर 2। तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको सबकी पता है, तो नई जो रॉड बनेगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के पी है और एरिया कितना है A1 प्लस A2 है। सॉल्व करके ये आंसर आएगा, नोट कर लें, पैरल के अंदर K1 प्लस K2 बाई 2, वो भी तब जब एरिया A1 A2 डिफरेंट है। अगर एरिया डिफरेंट नहीं है फिर ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा आपको, फिर ऐसा लगाना पड़ेगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंसेस का। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आप पैरेलल और सीरीज फटाफट सॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ठीक है, ये किया था हमने। नेक्स्ट था इसके अंदर कुछ फिर कन्वेक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी यहीं तक थी, उसके बाद तो रेडिएशन रेडिएशन स्टार्ट हो गया था। ये तो आज हमने नहीं करना, अगली बार करना है, आज थर्मल कंडक्टिविटी करनी है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं थर्मल कंडक्टिविटी के। तो थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर आपकी बुकलेट के अंदर ही एंड में ये 2-3 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है। तो दो रॉड्स हैं इसमें, वो कहेगा दो रॉड्स हैं, एक रॉड स्ट्रेट है और एक कर्व्ड है, और लेंथ आप देख ही रहे हो, एक की 2R है एक की पाई आर है। तो रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन कर्व्ड एंड स्ट्रेट रॉड्स क्या होंगी ये बताओ। तो ये बताओ कि हीट, जैसे मान लो ए का टेम्परेचर बड़ा है और बी का टेम्परेचर छोटा है, तो हीट मूव करेगी कहाँ से, कहाँ, ए से बी। अब हीट को मूव करवाने के दो रास्ते हैं, हीट ऐसे भी जाएगी, हीट ऐसे भी जाएगी, है ना, कैसे भी जाए, कुछ ऊपर से भी जाएगी कुछ नीचे से भी जाएगी। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है दोनों रास्तों से, उसकी रेशियो बता दो। अब मुझे पता है कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, के टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये रॉड है इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि दोनों रॉड्स का ऊपर नीचे का अज्यूमिंग सेम है, और लंबाई एल लेंथ है। अब दोनों रॉड्स में टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, क्योंकि अगर आप ए से बी जा रहे हो इस रास्ते से तो भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है, और अगर इस रास्ते से तो भी टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ही है। तो ये तो सेम रहेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का मटीरियल भी सेम है, तो फिर बचा क्या, एल। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड, एक केस में लेंथ कितनी है 2R है, एक केस में लेंथ कितनी है पाई आर है, दोनों को डिवाइड करके रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सही। जैसे ये क्वेश्चन है कैसे करेंगे,
इस क्वेश्चन में ये करना चाहिए, सबसे पहले एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो हीट P से Q जा रही है, एक रास्ता हीट को जाने का क्या बनेगा, डायरेक्ट P से Q, एक रास्ता क्या बनेगा पी आर क्यू। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक सीधा जाके और एक घूम के जाना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉब्लम यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस, ऑब्वियसली टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा और टेम्परेचर इसका कम होगा, तभी हीट ट्रेवल करेगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे आप इसके थ्रू जाएं, चाहे आप इसके थ्रू जाएं, क्योंकि जाना तो पी से क्यू ही है, पी और क्यू का टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो डेल्टा टी सेम है। अब प्रॉब्लम यह है, मेरे को दो रॉड्स, ये समझ में नहीं आई क्या करना है, पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो क्यों ना दो रॉड की जगह एक रॉड लगा दें, तो नया डायग्राम क्या बनेगा, ये पी है, ये क्यू है, थर्मल कंडक्टिविटी के थ्री है, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक रॉड लगाई मैंने ये री, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टू के वन के टू बाई के वन प्लस के टू। वो क्यों, क्योंकि जब ये दो रॉड सीरीज में होंगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला अभी शॉर्टकट लिखवाया, सीरीज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू, चेक करो तो के एस की वैल्यू क्या ही इक्वलेंट की, 2 के वन के टू बाई के वन प्लस के टू। तो दो रॉड की जगह एक रॉड लगा लो पहले तो, अब ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हीट फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट क्या होता है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, पी से क्यू सेम है, चाहे आप डायरेक्ट जाओ चाहे आप इस रास्ते से जाओ, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड बताओ इस रास्ते से क्या होगा, K3 एरिया A, K3 इंटू एरिया A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, क्या इसकी L, इसकी लेंथ है, इसकी L ऐसे था बराबर लेंथ की है, तो लेंथ क्या होगी PQ की L। अब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इस रॉड की क्या होगी बोलो, 2K1 K2 बाई के वन प्लस के टू थर्मल कंडक्टिविटी इन टू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस, इसका भी सेम है, डिवाइडेड बाय सीरीज में लेंथ क्या ले, अब 2L सीरीज में बताया था लेंथ ऐड करके लेनी होती है, जब इक्वलेंट लेते हैं L प्लस L, यहां पर क्या आएगा 2L, सॉल्व कर लो और सॉल्व करके L से L कैंसिल, तो आपको क्या निकालना है, इनका रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन, नहीं बस यही आंसर है, मेरे को लगता है के थ्री इज टू के वन के टू बाई के वन के टू आंसर आ गया। तो देखो किया हुआ है, ये देखो इसमें, ये देखो यही आंसर है इसका। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा, जब दो से ज़्यादा रॉड दो ना, फिर तो सीरीज पैरेलल पहले लगा के एक ही रॉड लगानी पड़ेगी। ठीक, जैसे देखो ये तो मेन्स का पुराना क्वेश्चन है, आप शक्ल देखो इसकी, टेम्परेचर रेज टू पावर 1/4, और देखो से क्या कैलकुलस लगा के आंसर निकालता है, अभी नहीं करना, अभी मेन में जब करोगे अपना डाउट पूछ लोगे। ठीक है, सबको कराने वाला क्वेश्चन नहीं है अभी, ये क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये एक्सक्लूसिव मेंस के लिए ही हैं, नीट में आने का चांस इसका बहुत कम है, रादर है ही नहीं सच बताऊं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्वड है, लेकिन फिर भी सुनना है तो ठीक है, वेले बैठ के भी क्या करोगे, सुने लो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है ना एनसीईआरटी ना नीट वालों को, मेंस में आया हुआ है, मैं बता देता हूं, मैंने वहीं से लिया है। दो टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बता देता हूँ कैसे, वो कहते हैं एक शेल है, एक शेल है, ये शेल ऐसा है, थिक शेल है, ये शेल ऐसा है, और इस शेल के अंदर ये मटेरियल है, ये शेल का मटेरियल है, अंदर हॉलो है, ये शेल है, इस शेल के अंदर ये जो टेम्परेचर है वो T2 है, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, और T2 बड़ा है T1 छोटा है, तो हीट मूव करेगी बाहर से अंदर की तरफ, तो इस शेल के अंदर हीट ट्रेवल करती हुई आएगी, अंदर का रेडियस a है, बाहर का रेडियस b है, ये गिवन है। अब किसी ने कहा कि सर इसमें हीट फ्लोइंग पर सेकंड निकालो, हीट फ्लोइंग पर सेकंड निकालो क्या होगी, ये क्वेश्चन है, और ये कांस्टेंट है पूरे स्फीयर में, कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, वो कहता है तो ये क्या होगी, तो मैंने कहा प्रॉब्लम ही नहीं है, लगा फॉर्मूला, थर्मल कंडक्टिविटी के इंटू एरिया ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना, टी टू माइनस टी वन, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी, मैंने कहा लेंथ में क्या है यहां से यहां आना है, कहता हाँ, मैंने कहा B माइनस A, क्योंकि आउटर रेडियस B है इनर रेडियस A है, तो ये आंसर है, कितने लोग एग्री करते हैं,
क्यों नहीं करते फिर? क्या गलत है इसमें भाई? टेम्परेचर डिफरेंस पुट किया मैंने, एरिया की क्या प्रॉब्लम है? एरिया वेरिएबल है, क्योंकि जब हीट यहाँ से यहाँ आ रही है तो पहले एरिया उसको मिलेगा 4π b², फिर एरिया हो जाएगा कम, फिर हो जाएगा कम, फिर हो जाएगा कम, फिर हो जाएगा कम, और फिर हो जाएगा कम। एरिया वेरिएबल है, तो मैं इसको अपने क्वेश्चन को ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी वेरिएबल में? इंटीग्रेशन। समझ आया ये स्टेप कहाँ पे फंसते आके? ठीक, तो इसलिए कह रहा था कि नॉन मेडिकल वालों का ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन उनको आ जाते हैं, मेडिकल में नहीं आते। तो इसके अंदर, लेकिन उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप कोई भी एक आर्बिट्ररी शेल ले लो इसके अंदर, देखो ये तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो कोई भी एक पेंसिल से बना रखा शेल है वो ले लो, जिसका रेडियस आ रहा है और जिसकी थिकनेस डी आ रहा है। तो मान लो हीट छोटी सी यहाँ से यहाँ आ रही है, डी क्यू बाई डी टी एंटर कर रही है, तो कितनी लेंथ कवर कर रही है एक शेल से दूसरे शेल में? डी आर, डी आर उसकी लंबाई है, एरिया उसका 4π r² है, और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा है इन दोनों के बीच में, जो कि कितना है? डी टी। तो मैं डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला लगाता हूँ, के इंटू आर्बिटरी एरिया 4π r² इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डी टी डिवाइडेड बाई लेंथ क्या है? डी आर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉन्स्टेंट है, ये निकालना है, इसको मत छेड़ो, ये निकालेंगे। डी टी वाली टर्म्स एक तरफ और डी आर वाली टर्म्स एक तरफ, अब इंटीग्रेट करेंगे। हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना है? टी टू, और अंदर का टी वन, तो टी टू से टी वन। जहाँ टेम्परेचर टी टू है वहाँ रेडियस की लिमिट क्या है? बी। जहाँ अंदर का टेम्परेचर टी वन है रेडियस की लिमिट क्या है? ए। बाकी मैथ वाले सिखाएंगे आपको, इतना तो मैंने भी सिखा रखा है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, और डी क्यू बाई डी टी का ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। पर ये वाला पोर्शन मैथ्स के लिए छोड़ दिया, तो प्लस टू में इंटीग्रेशन खूब करेंगे आप, ये आपके लिए ये टाइप का प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी वाला बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, नॉर्मली इससे ऊपर पूछेगा, तो मैं ऐसी इंटीग्रेशन है। तो कहने का मतलब ये एक नॉर्मल है आपके लिए, लेकिन मेडिकल को जरूरत नहीं है, मेडिकल आराम से रेस्ट करे। नॉन मेडिकल वालों को ये समझ में आ रहा है, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी तो यार मैथ से हो ही जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन आया, इस बार फिगर चेंज कर दी, सिलेंड्रिकल शेल ले लिया, सेम है बिल्कुल, पहला स्टेप ही सेम है, एरिया में फर्क है, क्योंकि जब आर्बिटरी शेल लोगे तो उसका एरिया क्या होगा सरफेस का? 2π r l, 4π r² नहीं, 2π r l। बाकी फिर वही सेम, r वाली टर्म एक तरफ, t2 से t1, b से a, 1 r dr की इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ r होती है, इतनी तो मैंने भी करा रखी है, अपर लोअर मैथ्स के लोग करा देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आपको तरीका बता रहा हूँ, घर जाकर रिवाइज कर लेना, स्टेप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये वाला, ये मेडिकल नॉन मेडिकल किसी में भी आ सकता है और आया हुआ है बहुत बार, अलग अलग शेप्स के साथ। तो तरीका बताता हूँ क्या करना है। ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको ना एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, आपको इसमें एक सिलेंडर गिवन है, सॉलिड है, जो दो अलग अलग किस्म के मटीरियल से बना हुआ है। अंदर का मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसके बाहर मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, तो ये K1 है और ये K2 है। क्लियर है यहाँ तक? टेम्परेचर यहाँ का T2 है, टेम्परेचर यहाँ का T1 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 है। लेंथ की वैल्यू क्या है इसमें? L है। अब आपको ये बताना है कि अगर मैं K1 K2 दो मटीरियल की जगह एक मटीरियल लगाऊं, तो उस मटीरियल की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है। दो की जगह एक, जो ये सेम काम करे तो दो मिलके कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट अफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या होगी? लॉजिक तो एक ही है कि अगर मैं इसके अंदर से हीट पास करूं dQ/dt, क्योंकि ये गुड कंडक्टर, ये थोड़ा और गुड कंडक्टर हो सकता है, मटीरियल में डिफरेंस है, तो कुछ हीट इसमें से जाएगी, बची हुई हीट साइड से चली जाएगी। हाँ, ये बात पक्की है, टोटल हीट फ्लोइंग पर सेकेंड जो होगी, कुछ अंदर से dQ/dt फॉर 1 और कुछ बाहर से dQ/dt फॉर 2 में जाएगी। क्या पहला स्टेप क्लियर है? ऐसा ही होगा। अब इस अंदर के मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? πr² और टेम्परेचर डिफरेंस तो चलो इसमें और बाहर में भी सेम ही है, तो लगाएं फॉर्मूला K1 इंटू एरिया कितना? πr², टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर Δt और लंबाई सबकी सेम है कितनी? L। फिर यहां लगाएं, इस पोर्शन में लगाएं, अब नेक्स्ट dQ/dt फॉर पोर्शन 2, ये वाला पोर्शन ये देखो, तो इस पोर्शन की बात करते हैं, इस पोर्शन के यहां ये पोर्शन है
इस पोर्शन में आपका जो रेडियस है आउटर क्या है 2r है, इनर क्या है r है, तो यहां पे ये एरिया क्या आएगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा k2 इनटू ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया इनटू टेंपरेचर डिफरेंस, इसका भी डेल्टा टी और लेंथ इसकी भी l है। क्लियर हो गया यहां तक भी? तो dq / dt अंदर, dq / dt बाहर से पास कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर ये सिलेंडर की जगह मैं एक एक ही सिलेंडर लूं, इसका k इफेक्टिव निकालो, तो जो मैं सिलेंडर लूंगा उसका रेडियस सेम साइज का लूंगा, यानी कि 2r का, r का नहीं 2r का। तो लगाएं फार्मूला, k इफेक्टिव एरिया पाई r 2r² डेल्टा t / लेंथ l, सब कैंसिल करके आपके पास इफेक्टिव k ही आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सब कैंसिल हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग शेप्स देते हैं वो। मैंने क्वेश्चन ये भी देखा है, वो क्रॉस सेक्शन देगा आपको स्क्वायर और अंदर भी स्क्वायर, वो कहेगा ये थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ये K2 है, हीट एंटर कर रही है यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो। लॉजिक वही है यार जो इसमें लगाया, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी सेम लॉजिक से निकलेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। इसमें पाई आर स्क्वायर, उसमें एल स्क्वायर हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इनमें? ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर देखना कौन सी आपके इसमें ये है, क्या 55 है कि कौन सी है, 56 है, ये हमें नंबरिंग गलत है, 56 है ना, ये शीट है ना, हाँ ये करनी है 56। इसका पहला क्वेश्चन, चलो पहले क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा नीचे ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन है, टू प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस और कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 आर कनेक्टेड एज शोन। दो प्लेट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर का एरिया A1, नीचे का A2, K1 K2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, हीट यहाँ से एंटर करती है, यहाँ निकलती है। पॉइंट ये है कि ये सीरीज में है कि ये पैरेलल में है, सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में है, क्यों? क्योंकि हीट जो यहाँ से आएगी कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से, डिवाइड होके आएगी, सीरीज में तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम होता है, तो डिवाइड होके आएगी। जब डिवाइड होके आएगी तो dq / dt आएगी, तो इसमें इसमें डिवाइड हो गई, तो या तो पैरल का सीधा रिजल्ट लगा लो या ऐसे लगा लो। तो dq / dt फर्स्ट रॉड में क्या होगा, k1 एरिया A1, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ और यहाँ का चाहे ऊपर से चाहे नीचे से सेम ही रहेगा, लेंथ भी यहाँ की सेम रहेगी।
डी क्यू बाई डी टी नीचे में क्या लगेगा, के टू ए टू, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और लेंथ इसमें एल है, फिर दो की जगह जो एक रॉड लगेगी इक्वलेंट, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू, पैरेलल में एरिया ऐड होता है, लेंथ रिमेनिंग सेम, टेम्परेचर डिफरेंस डी टी और के, सॉल्व करके के निकाल लेना आंसर। वैसे अगर आपने असाइनमेंट चेक करो बुकलेट, तो उसके अंदर सेम फॉर्मूला है, बस मैंने एरिया सेम लिया हुआ है, तो अगर एरिया ए वन ए टू बराबर है तो आंसर याद है के वन प्लस के टू बाई टू आता है, वो तब है जब एरिया ए वन ए टू बराबर है, अगर बराबर नहीं है फिर ये फॉर्मूला नोट करना है, के वन ए वन प्लस के टू ए टू बाई ए वन प्लस ए टू, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ही बना लो, कौन करेगा, अगर एरिया डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला ही बन गया, बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वॉल हैज़ टू लेयर्स ए एंड बी, ए और बी दो लेयर्स हैं, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल्स के ए एंड के बी, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो के ए इज टू इंटू के बी, रिलेशन गिवन है, इफ टू लेयर्स हैव सेम थिकनेस, तो लंबाई एल और एल दोनों की सेम है, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल्स इज 48 डिग्री सेल्सियस, तो ये मान लो थीटा ए, ये थीटा बी, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों एंड्स में टेम्परेचर डिफरेंस कितना, थीटा ए माइनस थीटा बी कितना है, 48, आपको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर बी, ये बी लेयर है, इसका टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, तो मान लो इनके इंटरफेस का टेम्परेचर क्या है, थीटा, आपको क्या निकालना है, थीटा माइनस थीटा बी, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, तो आपको ये निकालना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आपको ये वैल्यू नहीं का, आपको एक ही चीज़ आती है इसमें, दो रॉड किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, वैसे ये मेंशन होना चाहिए था, मेंशन नहीं है, पता नहीं लग रहा क्वेश्चन से, आप दो दो लेयर्स को ऐसे भी लगा सकते हो, दो ब्रिक्स ऐसे भी हो सकती हैं, दो ब्रिक्स ऐसे भी हो सकती हैं, डायग्राम गिवन होना चाहिए था, इसमें गिवन ही मान लो, तो अगर ये सीरीज में गिवन है तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में क्या रहेगा, सेम, अगर ये सीरीज में लें फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीरीज के अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं के ए इनटू एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा ए माइनस थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ एल, इसमें लगाएं के बी, टेम्परेचर एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा बी डिवाइडेड बाय लेंथ एल, तो क्योंकि के ए क्या गिवन है, टू टाइम्स के बी, सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई, अब आपके पास सिर्फ दो ही इक्वेशन है, एक ये और एक ये, निकालना क्या है, थीटा माइनस थीटा बी, तो एक काम करो, थीटा ए तो नहीं निकालना ना, तो थीटा ए को एलिमिनेट कर दो, थीटा ए की वैल्यू 48 प्लस थीटा बी, ये पुट कर दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा बी सॉल्व करके आंसर, मैथ्स की कैलकुलेशन है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. Two rods of same length and material. तो length and material समझते हो, L और L, material same का मतलब K, thermal conductivity same. Transfer a given amount of heat in 12 second when joined in series. तो series के अंदर 12 second में heat transfer हो गई. क्या अगर parallel में लगाएं तो कितनी समय में heat transfer होगी ये बताओ. तो series के अंदर ये diagram, parallel में ये diagram, parallel में area cross section 2A हो गया और सीरीज में लंबाई 2L हो गई. तो dQ by dt होता क्या है, K A temperature difference by length, time एक तरफ क्योंकि हमने time निकालना है, बाकी cross multiply करके ये term आ गई. अब अगर ध्यान से देखो, चाहे ये diagram चाहे ये diagram, इन दोनों diagram में temperature difference, जो temperature difference है वो तो दोनों में same है. यहाँ 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 वो तो फर्क है ही नहीं. amount of heat भी आपने same send करनी है, ठीक है. आपको इसमें क्या गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम गिवन है, रह क्या गया, एक एरिया रह गया और एक dx. तो जो टाइम है, टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डिवाइडेड बाय एरिया के. तो जब सीरीज का केस था, केस नंबर वन, तो टाइम कितने सेकंड है, 12 सेकंड है, लंबाई कितनी है, l प्लस l 2l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a. केस नंबर टू में टाइम निकालना है, लंबाई कितनी है, l, और एरिया क्या है, 2a. इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके t कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. तो आपको ये देखना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, वहां से आंसर आएगा. ठीक है यहां तक? ठीक, क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं, वो होमवर्क है आपका. ये क्वेश्चन वैसे तो प्लस टू रिलेटेड है, प्लस टू की नॉलेज चाहिए इसके लिए, लेकिन शायद टेंथ में आपने सुना हो वीट स्टोन ब्रिज करके कुछ ऐसा सुना हुआ है, ऐसा रॉम रेजिस्टेंसेस का डायग्राम देखा हुआ है. फिर ये सिखाया होगा कि अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा तो इसको दिस बाय दिस ऐसा कुछ सिखाते थे, नहीं सिखाया. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. हम ना प्लस टू में एक टॉपिक करेंगे, वीट स्टोन ब्रिज. एक ब्रिज है इसका नाम वीट स्टोन ब्रिज है. ये ब्रिज ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर में ना आर्मी वाले यूज़ करते थे एक्चुअल में, तो इधर से सोल्जर जाएंगे, इधर से जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे, ऐसा कुछ ब्रिज था जो बैलेंस बना के रखता था लेफ्ट और राइट का. तो वहाँ से नाम आया वीट स्टोन ब्रिज. तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की टर्म नहीं है ना फिजिक्स की टर्म है, बस शेप ऐसी दिखती थी तो साइंटिस्ट को लगा कि यार हाँ ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है तो वीट स्टोन ब्रिज है. तो इसके अंदर रेजिस्टेंसेस में ये सिखाया जाता है कि अगर मान लो ये आपके सामने पांच रेजिस्टेंसेस हैं, तो करंट अगर आया, करंट यहाँ से यहाँ आना चाहता है, मैं ए से बी तक पास करवाना है मुझे, और ये रेजिस्टेंसेस हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव. तो अगर मैं ये चाहूँ कि करंट इसमें से भी जाए, इसमें से भी जाए, इसमें से भी जाए, इसमें से भी जाए, पर इसमें से ना जाए, तो हम बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, इसमें से कोई ना जाए, ब्रिज ऐसे बैलेंस किया बीच में से कोई नहीं जाएगा. तो अगर ऐसी स्टेट आ जाए तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड हो गया ब्रिज, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज. और अगर ऐसा हो गया तो प्लस टू में डेरिवेशन आएगी कि ऐसे केस में आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर, ये रेशियो एप्लीकेबल है. अब क्योंकि वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास ये रॉड्स हैं इनस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, ये रॉड्स हैं, और वो कह रहा है कि ए और बी आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेंपरेचर, ए और बी डिफरेंट टेंपरेचर पे, तो हीट तो जाएगी, ए से बी तक हीट जाएगी. नो हीट वुड
फ्लो थ्रू सेंट्रल रॉड, वो कह रहे हैं सेंटर में से कोई रॉड में से हीट नहीं चाहिए। हीट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड नहीं चाहिए, तो हीट करंट नहीं चाहिए। और अगर हीट करंट नहीं चाहिए तो अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो कम से कम ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो ये तो एप्लीकेबल रहेगा इसमें। और थर्मल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी होती है। हमने फॉर्मूला किया थर्मल रेजिस्टेंस का, थर्मल कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 बाय K1, 1 बाय K2, 1 बाय K3, 1 बाय K4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। तो बिना बताए ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो प्लस टू वालों को जल्दी समझ में आता है, बट आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि इसमें लगता क्या है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन है सेवेंथ, करने से पहले ये देखते हैं कि दो रॉड्स सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर आपको दो रॉड्स ऐसी गिवन है, मान लो एक पेपर में ऐसे गिवन है कि दो रॉड्स हैं, ये रही K1 एंड K2, और हीट यहाँ से ट्रांसफर करवा रहा हूँ, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, तो मुझे बताओ कि क्या ये समझ में आता है कि ये जो हीट है वो कुछ इधर और कुछ इधर जाएगी, तो Q by T 1 में अलग होगी और Q by T 2 में अलग होगी। तो Q by T जो टोटल होगा, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों में डिवाइड हो जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो रॉड्स किस में कनेक्टेड मानी जाएंगी? इन पैरेलल। पैरेलल में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड होती है, सीरीज तो सेम रहती है, सही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये बोलता हूं कि हीट यहां से जा रही है और यहां निकल रही है, अब सोचो जो हीट यहाँ जाएगी वो यहाँ भी जाएगी, वो यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, ज्वाइंट तो है ही नहीं ना, डिवीजन तो हो ही नहीं रही, सारी की सारी हीट सीधी जाएगी, तब किस में कनेक्टेड है? इन सीरीज। अब उल्टा हो जाएगा, तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि हीट कहाँ से पास कर रहे हैं, साइड से, एरिया से, या फिर ऐसे। अब इस केस में ऊपर से पास हो रही है, तो ऊपर से पास हो रही है, आपको ये बताना है कि ये थीटा वन, ये थीटा टू, ये थीटा, तो थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हीट यहाँ से पास हो रही है तो सीरीज में माने जाएंगे, और सीरीज में हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है। और अगर मान लो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस, अब क्वेश्चन में आपको जो आंसर देना है वो इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस R1 R2 देना है, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अगर ये सीरीज में है तो थर्मल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, तो एक फॉर्मूला और लिखेंगे, बड़ा सही फॉर्मूला ये भी, वो ये कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का जो फॉर्मूला था वो था के ए डेल्टा टी बाय लेंथ। हीट फ्लोइंग पर सेकेंड लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ये टर्म आ जाएगी, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। की बड़ा सही फॉर्मूला लगता है मुझे, एक इतना छोटा हो गया फॉर्मूला, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड डेल्टा टी बाय रेजिस्टेंस आर पास। अब देखो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट में क्या होगी, हम बोलो वो बाद में देखता हूँ, ये रूल समझ में आया पहले। तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड का ये फॉर्मूला भी क्लियर है, तो ये देखो लिख लिया, तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड इसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितने, थीटा वन माइनस थीटा बाय आर टू, और इसमें क्या होगा, थीटा माइनस थीटा टू बाय आर वन। तो ये लगा लो फॉर्मूला, इक्वेट कर लो, इक्वेट करके अपना थीटा आ जाएगा। अब देख लेना जो ऑप्शन आएगा यार, सेम है कि नहीं, मेथड समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगाया, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, क्या सही फॉर्म, मैं तो कहता हूँ हर में लगा लो, कितना आसान हो गया, एक इतना सा फॉर्मूला लेके घूम रहे हो, तो आर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बुरा नहीं है फॉर्मूला, और जिन क्वेश्चन में आर इन्वॉल्व है उनमें तो यही लगाना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, बाकी ना के चाहिए ना ए चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं है, ऐसी इलिमिनेशन हो जाएगी सारी। ठीक, होमवर्क है।